Welcome to DD Academy class. Today the subject is how to prepare English for competitive exam from zero level. अर्थात एकदम zero level से हम अंग्रेजी की तैयारी कैसे कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले आता है कि हम English क्यों सीखें. तो अगले समझ लीजिए कि 15 से 20 सेकंड में मैं एक चीज को कुछ चीजों को आपको दिखाना चाहूंगा. तो पहले चलिए शुरू करता हूँ. वो सारे ये सारे एग्जाम्स हैं जिसमें अगर मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, इन इतने सारे अब हमारे इंडिया में एग्जाम्स होते हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, जिसमें केवल रेलवे और कुछ नौकरियां जो 20 से 21 नौकरियां हैं उसको अगर आप जहां इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है, इसके अलावा हर नौकरी में इंग्लिश की जरूरत है. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं या इंग्लिश अगर सीखते हैं, अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने अपॉर्चुनिटी की संभावना को 7 गुना ज्यादा बढ़ा लेते हैं. जी हाँ, मैं यही चीज को कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश को अगर आप डर के छूप रहे हैं तो फिर आप अपने संभावना को 7 गुना कम कर रहे हैं. तो इस बात पर आपको ध्यान देना होगा. और एक याद रखिएगा, 4 साल की इंग्लिश की जो तैयारी है, जो बेसिकली क्लास 6 से क्लास 10 की हम बात करते हैं, जिसे केवल 3 महीना 1 घंटे के कोशिश से किया जा सकता है. अगर इस समय को आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि 60 दिन में भी आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं. लेकिन नेचुरली अब ये 4 साल की तैयारी जैसे की गई थी वैसे तो यहाँ होगा नहीं, कुछ दूसरे तरीके से होगा. आज इसी बातों को मैं आपको दिखाऊंगा, आपको आपसे करवाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कितने आसानी से यह हो सकता है. तो केवल बोला गया कि इसमें आप जो भी सीखते हैं अगर तुरंत उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप परफेक्ट बन जाते हैं. तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं. लेकिन क्लास शुरू करने के पहले एक बोलूंगा कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमें जो है शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और लाइक करेंगे, ठीक है ना. तो चलिए क्लास शुरू करते हैं. तो पहला है, हम बात करते हैं नाउन की. नाउन क्या है? नाम है. किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, या किसी भावना का नाम हो सकता है, जैसे काइंडनेस, दयालुता. अब जैसे यहां पे एक है, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द चेयर. अब बिल्ली जो है वो कुर्सी पर सो रही है. अब इसमें नाउन क्या कौन कौन सा है तो देखेंगे कि चेयर एक नाउन है. अच्छा अच्छा, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है. और एक कैट, कैट एक नाउन है. तो ये दो नाउन है, कैट और चेयर. अब प्रोनाउन की बात कर लेते हैं. ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, जो संज्ञा के जगह पे इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे शी इज रीडिंग ए बुक, ये शी मतलब वो किताब पढ़ रही है. अब उसका तो वर्ब नाम नहीं होगा ना, उसका रीता हो सकता है, गीता हो सकता है, सीता हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है. अब क्या है कि किसी वाक्य में बार बार तो हम सीता सीता नहीं बोलते ना, पहले नाम लेते हैं बाद में वह करके करते हैं. तो इसी तरह इंग्लिश में होता है. तो शी किसी नाम के जगह पर आया है इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रोनाउन. अब तीसरा आता है एडजेक्टिव. ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, जिसकी विशेषता को बताता है. द रेड कार इज फास्ट. कार क्या है? एक नाउन है. गाड़ी के रंग क्या है? लाल है. तो लाल रंग की कार तेज है. तो रेड जो है ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है. और वर्ब क्या हुआ? ए वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, वो शब्द जो कुछ हो रहा है उसे बताता है. ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर दिन सुबह दौड़ता है. तो कौन सी क्रिया कर रहा है? दौड़ने की क्रिया कर रहा है. तो रन्स क्या हुआ? रन्स जो एक वर्ब है. तो हमने बहुत छोटे में कितना वक्त लगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तभी हम उसे पकड़ पाएंगे.
तो देखिए यहां पे शी रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, इसमें शी क्या होगा? शी तो किसी का नाम नहीं हो सकता, पहले हम बोले रीता गीता मीता सी तो जो भी हो सकता है, तो शी क्या है? नाउन के जगह पे, संज्ञा के जगह पे सर्वनाम आता है, इसे प्रोनाउन कहते हैं, तो इसे हम पी से डिनोट करेंगे, ये प्रोनाउन है। अब क्या आया? रीड, शी रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, वो एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ती है। तो रीड जो है, ये देखो यहां पे एक गलती हुआ है, शी रीड्स होगा, ठीक है ना, या हम शी रेड कर सकते हैं इसे, ठीक है ना, वो पढ़ी थी, ठीक है, तो ये वर्ब हुआ। अब बुक क्या है? बुक जो है नाउन है। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इंटरेस्टिंग, सॉरी एक शब्द लेते हैं, बुक क्या है? बुक जो है इंटरेस्ट पैदा करने वाली है, ठीक है ना, मन लगने वाला किताब है, तो इंटरेस्टिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो देखो हमने अभी पढ़ा भी हुआ था नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, ये चारों इसमें आ गए। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही एट ए डिलीशियस मील, ही क्या है? राम श्याम मधु कोई भी नाम हो सकता है, उसके जगह पे ये इस्तेमाल हुआ है, तो ही क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है। एट मतलब क्या है? खाया था उसने, एक डेलिशियस खाना खाया था, डेलिशियस मतलब होता है सुस्वादु, तो एट जो है क्या है? वर्ब है। मिल क्या है? खाना, नाउन है, और वो डेलिशियस का मतलब है वो खाना क्या था? स्वादिष्ट था, तो हम इसे डेलिशियस को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। एक बात ध्यान देखो, ये प्रोनाउन या नाउन के बाद वर्ब आता है, ठीक है ना, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन आता है, तो नाउन के गुण को बताने वाला एडजेक्टिव है, और नाउन जब क्रिया करता है उसे वर्ब बोलते हैं, तो वर्ब बराबर नाउन के बाद आता है और एडजेक्टिव बराबर नाउन के पहले आता है, ये हमें देखने को मिल रहा है, जो देखते हैं। द ब्लैक डॉग बार्क्ड लाउडली एट द मिल्कमैन। अब देखो डॉग क्या है? डॉग तो भैया कुत्ता है, कुत्ता एक जानवर का नाम है, ठीक है ना, तो ये नाउन है। ब्लैक क्या है? काला कुत्ता, तो ये कुत्ते के रंग की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। बार्क मतलब भौंकना होता है, तो भौंकना क्या है? एक क्रिया है, तो ये वर्ब है। अभी लाउडली का तो हम नहीं करेंगे कि हमने सीखा नहीं है, और क्या है? मिल्कमैन है, दूध वाला, तो दूध वाला क्या है? नाउन है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, द क्यूरियस कैट चेस द प्लेफुल बॉल। अब देखो कैट क्या है? नाउन है। अब क्यूरियस मतलब उत्सुक, तो उत्सुक बिल्ली, तो बिल्ली क्या है? उत्सुक वाली बिल्ली, जो हर चीज को सूंघ के देखती है, क्या है समझने की कोशिश करती है, तो ये एडजेक्टिव है। चेज्ड मतलब पीछा किया, ये क्या है? क्या किया? चेज किया, वर्ब है। बॉल क्या है? नाउन है। प्लेफुल मतलब जो खेलने लायक, तो खेलने लायक क्या है? बॉल की विशेषता को बताता है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो फिर से देखता हूं, देखो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन के बाद वर्ब आता है, ठीक है ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। तो चलिए हमने इसको सीख लिया, मोटा मोटी दिमाग में एक तो बैठ गया, लेकिन ये आप भूल जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिस के बाद भी हम करते हैं। अब हम दूसरे से आते हैं, एडवर्ब किसे बोलते हैं? ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब क्या है? वो शब्द है जो वर्ब मतलब क्रिया की विशेषता को बताता है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण की विशेषता को बताता है, या किसी और एडवर्ब के बारे में बताता है। जैसे देखो शी प्रोनाउन है, नाम तो शी नहीं हो सकता, अभी मैंने चर्चा किया। सिंग्स गाती है, ठीक है ना, ये क्या है? ये वर्ब है। कैसे गाती है? बहुत सुरीली गाती है, बहुत सुंदर गाती है, तो ब्यूटीफुली क्या हुआ? ब्यूटीफुली एडवर्ब हुआ। एडवर्ब को हम क्या लिखते हैं? एडीवी से। एडजेक्टिव को कैसे लिखते हैं? एडीजे से। तो एडवर्ब क्या है? सिंग्स के बाद आता है, देखो वर्ब के बाद, वर्ब के बारे में बताता है,
और एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के पहले आने में, ठीक है ना। अब चलिए एक दूसरे शब्द को देखते हैं, प्रीपोजिशन। ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन क्या है? वो एक शब्द है जो किसी दो नाउन की अवस्था को बताता है, ठीक है ना। द कैट इज ऑन द चेयर। अब देखो कैट क्या है भाई? बिल्ली, ये तो नाउन है। इज क्या है? वर्ब है। चेयर क्या है? अच्छा ऑन क्या है? देखो कहां बैठी है? कुर्सी के ऊपर बैठी है। तो ऊपर जो है ये अवस्था को बताता है, अवस्था बताने मतलब प्रीपोजिशन होता है। चेयर क्या है? ये भी एक नाउन है। तो जरा इसके गठन को देखो, नाउन आया, वर्ब आया, फिर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया, फिर चेयर आया, ठीक है ना। अब हम दूसरा वर्ड लेते हैं, कंजंक्शन। ए वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड फ्रेजेस और क्लॉजेस। अब क्लॉज के बारे में बाद में बात करेंगे, जो शब्द और फ्रेज को, फ्रेज मतलब ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको जोड़ता है। आई लाइक टी एंड कॉफी। आई क्या है? देखो ये प्रोनाउन है। लाइक क्या है? लाइक मतलब पसंद करता हूं, वर्ब है। टी क्या है? चाय, तो एक पीने की वस्तु का नाम है, तो नाउन है। कॉफी क्या है? ये भी एक पीने की वस्तु है, इसलिए भी नाउन है। इन दोनों नाउन को जोड़ता कौन शब्द है? एंड है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन को हमने सी से लिखा। तो देखिए एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के बारे में थोड़ा एक आइडिया हो गया। अब आते हैं इंटरजेक्शन। ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। वाओ, दैट इज अमेजिंग। अरे वाह, क्या सुंदर है। ये अरे वाह जो है, ये क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन है। तो वाओ क्या हुआ? इंटरजेक्शन हुआ। तो आई एन टी करके हम लिखते हैं। दैट क्या है? दैट आप जानते हैं कि प्रोनाउन है, किसी जगह के बारे में बोल रहा है। इज क्या है? ये वर्ब है। अमेजिंग क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। तो यहां पर एक चीज देखो, प्रोनाउन वर्ब, वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आता है। ऐसा नहीं कि वर्ब के बाद हमने एडवर्ब देखा था, वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आता है। अब दूसरा आते हैं आर्टिकल। ए वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट ए नाउन इज बीइंग रेफर्ड टू स्पेसिफिकली और जनरली। नाउन के पहले कोई एक शब्द अगर आता है जो उसे बताता है कि वो स्पेशल है या जनरल है। The cat is sleeping. बिल्ली, बिल्ली देखो, बिल्ली का तो कोई नाम नहीं, बिल्ली का हम नामकरण नहीं करते, तो बिल्ली बिल्ली होती है। बिल्ली मतलब हमें उस जानवर को समझ में आता है। तो बिल्ली के पहले ये जो नाउन है, इसके पहले द करके एक समूह के बारे में बताया गया है। तो इंडिकेट जनरली, ए वर्ड इंडिकेट ए नाउन जनरली, कैट के बिल्ली के समूह को बताया गया है। तो ये क्या है? आर्टिकल बोलते हैं इसे। तो द क्या हुआ? आर्टिकल है। इज क्या है? वर्ब है। और देखो ये इज जो है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है या सहायक क्रिया है। अब इसके बारे में आगे पढ़ना होगा, तो एक समस्त में आ गया ना, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। स्लीपिंग मतलब बिल्ली सो रही है, तो बिल्ली सो रही है, तो सोने की प्रक्रिया को जो है उसे वर्ब कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, पहले आर्टिकल आया, फिर नाउन आया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आया, फिर वर्ब आया। अब हम एक डिटरमिनर के बारे में बताते हैं। ए वर्ड दैट इंट्रोड्यूस ए नाउन और इंडिकेट्स द काइंड ऑफ रेफरेंस बीइंग मेट। देखो स्टूडेंट्स क्या नाउन है? छात्र, ठीक है। लेकिन ऑल द स्टूडेंट्स मतलब सारे छात्र, ये सारे छात्र मतलब छात्रों के सारे ग्रुप को बताता है। तो ये डिटरमिन करता है, तो ये डी से, तो यहां ऑल क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ। आर क्या है? द क्या है? यहां पे द हमने जाना क्या? आर्टिकल है। तो यहां पे देखा डिटरमिनर, फिर आर्टिकल, फिर नाउन आया, फिर आर क्या है? वर्ब है। लेकिन ये क्या है? वर्ब है।
प्रेजेंट क्या है, उपस्थित, वहां उपस्थित थे, उपस्थित होना मतलब ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो यहां पर जो है सबसे पहले समझ लो कि हमें जल्दी में करना है तो कम से कम हमें 100 से 150 वाक्यों को जब हम इसको तोड़ कर उसमें कौन सा नाउन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, इसे जब पकड़ना सीख लेंगे तभी हमारी पहली शुरुआत होगी। तो चलिए हम कुछ को लेते हैं, आज जैसे 5-6 शब्दों को करते हैं, फिर आपके लिए कुछ होमवर्क भी देते हैं, और उसके बाद हम आपको एक पेज पर अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे, जहां पर देखेंगे कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होंगे। यहां देखिए, माय फ्रेंड इज ए टैलेंटेड म्यूजिशियन। अब मैं इसको फिर से लिख लेता हूं। अब देखिए हमें चॉइस करना है, ठीक है। माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, किसका दोस्त, मेरा दोस्त क्या हो सकता है। दोस्त एक शब्द है जो एक समूह को बता रहा है, ठीक है ना, जिसे मैं जानता हूं। मेरा मतलब डीडी रॉय का, आप अगर बोलेंगे मेरा तो आपका नाम अगर सोहन है तो सोहन का, तो मतलब ये स्पेसिफिक करता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव गुण को बताता है। तो माई क्या होगा, प्रोनाउन होगा मेरा, ठीक है ना। फ्रेंड क्या होगा, दोस्त, ये आपका नाउन होगा। देखिए यहां से हम चूज कर रहे हैं। फिर इज ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, इज क्या होगा, इज पता है आपको क्या है, वर्ब है, तो ये वर्ब होगा। टैलेंटेड म्यूजिशियन क्या है, गायक, ये वादक है। टैलेंटेड मतलब, टैलेंटेड मतलब उसको टैलेंट है ना, लेकिन उसके पहले देखो ए आया है। ए क्या होगा, ए जो है, आप जरा सोचे, ये म्यूजिशियन के बारे में एक बता रहा है, ठीक है ना, एक, तो ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। देखो इसको आपको पहचानने की कोशिश करना होगा, आर्टिकल है। जब आप ऐसे 40, 50, 60, 70 को पहचानोगे तब आपने वो शक्ति आने लगेगी। अब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, टैलेंटेड, ठीक है ना। म्यूजिशियन क्या है, म्यूजिशियन नाउन है। अब मेरे साथ सोचते जाओ, फिर एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ही अराइव लेट टू द पार्टी, कहने का मतलब क्या है, वो जो पार्टी चल रहा था उसमें देर से पहुंचा। अब इसको फिर से कर लेते हैं, चलो। अब क्या ही क्या है, तो नेचुरली ही जो है हम जानते हैं क्या, संज्ञा के बदले में जो आता है उसे हम नाउन के बदले में जो आता है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है ना। नाउन के बदले में जो आता है प्रोनाउन है, तो ही क्या प्रोनाउन है। फिर क्या, अराइव्ड, ये अराइव्ड क्या है, पहुंचा, पहुंचा क्या है, वर्ब है, क्रिया किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा। लेट, लेट का मतलब है देर से, तो ये पहुंचने के मैटर को बता रहा है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है ना। क्रिया की विशेषता को बताता है, ठीक है ना। लेट, लेट के बाद क्या है, टू है, लेट टू द पार्टी, तो टू क्या होगा, वर्ब के बाद में आया है और पार्टी को जोड़ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, टू। ऐसे भी क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। टू के बाद द है, द क्या है, अब हमने थोड़ा थोड़ा सीखना समझ गया, द को आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल है। पार्टी क्या है, पार्टी ये तो एक नाउन है, ठीक है। अब चलिए एक सेंटेंस को और लेते हैं। द ओल्ड बुक हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, चलिए इसमें क्या क्या है जरा देख लेते हैं। देखो द है पहले, ये द, द अभी तक हम समझ चुके हैं, ए द ये सब क्या है, इसे आर्टिकल बोलते हैं। देखिए जैसे जैसे कोशिश करते जाएंगे ना, पहले 3, 4, 5, 6, 7,
फिर धीरे 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 आपको ग्रिप आता हुआ जाएगा। आप समझ लीजिए जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो ये एक वीडियो देखते ही सब कुछ नहीं सीख जाएंगे, बल्कि कोशिश ही आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, किताब की विशेषता को बता रहा है। बुक क्या है, किताब, संज्ञा है, नाउन है, ठीक है, ये नाउन हो गया। अब क्या हैड है, हैड क्या है भाई, हैड आपको हम ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, वर्ब कहते हैं, वर्ब है। एन है, एन को क्या बोलेंगे, ए एन क्या है, ये आर्टिकल होता है, आर्टिकल है। उसके बाद इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी के पहले क्या है, कहानी है, कहानी क्या है, इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग क्या होगा, इंटरेस्टिंग जो है इसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अब ये स्टोरी क्या है, स्टोरी कहानी है, कहानी हम किसी चीज को एक नाम है ना, ये तो ये क्या है, नाउन है। तो इस तरह से देखें कि हम अगर कोशिश करते हैं, पहले कुछ सही होंगे, बाद में थोड़े ज्यादा सही होंगे, बाद में और ज्यादा सही होंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सबकी आप डेफिनेशन को याद करके आप सीख लेंगे तो कभी नहीं होगा। ये आपकी प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस वीडियो में देखने के बाद अलग से आपको प्रैक्टिस करना होगा। शी स्पोक सॉफ्टली टू हर मदर, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये आपके लिए होमवर्क है, अब इसको आप कमेंट्स करके बताएंगे। यहां पे आपसे ये करना है, ठीक है ना, वो अपने मां से मृदु भाषा में बात करती है। द रेड बैलून फ्लोटेड अवे, लाल जो बैलून था वो हवा में उड़ गई। द स्टूडेंट्स वेर एक्साइटेड टू लर्न, जो विद्यार्थी थे वो काफी उत्सुक थे सीखने के लिए। ये होमवर्क है। द स्काई वॉज क्लियर एंड ब्लू, ये जो आसमान है वो साफ और नीला है। तो यहां पे द क्या है, स्काई क्या है, वास क्या है, क्लियर क्या है, एंड क्या है, ब्लू क्या है, ठीक है ना। अब कैसे लिखेंगे, जैसे पहले लिखा हुआ था, द के पहले आप लिखेंगे क्या चीज है ये, जैसे द आर्टिकल है, फिर स्काई के पहले लिखेंगे कि ये क्या है, ठीक है ना, जैसे मैं बता दे नाउन है। वास के पहले क्या लिखेंगे, वर्ब है ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। शी लव्स टू रीड एंड राइट, अब शी, अब समझते हैं ये प्रोनाउन है। तो ये ऐसे कोशिश करके आपको करना होगा, और कोशिश करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगा। द कैट चेज द माउस अराउंड द हाउस, ठीक है, ये सब जो है आपके लिए एक होमवर्क मैंने दिया हुआ है। और देखिए वो तो सफिशियंट नहीं, मैंने कहा कि 100 के करीब तो करने होंगे भाई, तो और मैंने टेलीग्राम चैनल पे 20 और सवाल दिए हैं, और कल अभी आपके बाद थोड़े देर के बाद, मतलब कल सुबह को ये सवाल मिल जाएंगे, ये वीडियो जो आप देख लेंगे, फिर परसों इसके आपके रिजल्ट भी मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे ही, जहां से आपको उसको मिलाएंगे। फिर कल मैं एक आपको वेबसाइट बताऊंगा, जिस वेबसाइट में आप अगले 5 दिन तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर दिन उसमें 20 सवाल लगते हुए रहेंगे, और हर दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वहीं उसका आंसर है। तो वैसे करते करते आप देख लेंगे कि आप किसी भी सेंटेंस में जो ये आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये आते हैं, वो सारा का सारा आप पहचानने लगेंगे, ये शुरुआत होगा। तो आशा करता हूं कि आप इस बातों को समझ रहे हैं। अब बस एक ही आपसे दरखास्त है कि साथ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस वीडियो के बाद कल जरूर इसके डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें। कल आपकी सुबह को इसका जो 20 सवाल है वो आपको मिलेंगे, और उसके साथ जवाब भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ इस वीडियो का भी PDF फाइल वही मिलेगा।
आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।